हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। मैं रवि कुमार, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ किरचॉफ के नियम, किरचॉफ या किरकॉफ के नियम। ठीक, तो बात करते हैं हम किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम दो होते हैं हमारे, पहला होता है संधि नियम, दूसरा होता है बोल्टता का नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला संधि नियम या जिसे कहते हैं धारा का नियम, और दूसरा बोल्टता का नियम। पहले बात करते हैं धारा का नियम। धारा का नियम या संधि का नियम क्या होता है? जिसने अभी तक बेल आइकन घंटी नहीं दबाई है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो में आपको तुरंत। शुरू करते हैं। क्या है पहला नियम? संधि नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, पहला संधि नियम। पहले बात करते हैं संधि नियम। संधि, इंग्लिश में बोलते हैं संधि को जंक्शन। जंक्शन का मतलब एक दिशाओं से, मतलब एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में जहां जा सकते हैं हम उसको बोलते हैं जंक्शन या संधि। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम किसी भी दिशा में चले जाएं तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम संधि या जंक्शन। ठीक, तो बात करते हैं संधि नियम। कोई भी हमारे पास विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं पर बीजगणित के योग शून्य होता है, या किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ की धाराओं का बीजगणित के योग शून्य होता है। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। क्या परिभाषा होगी हमारा संधि का? प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में, या कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, कोई भी संधि है, जैसे मान लो ये संधि है, इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित के योग जो होगा वो शून्य होगा, या किसी विद्युत परिपथ में आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणित के योग शून्य होता है। दो इसकी परिभाषाएं जो उनकी आसान लगे वो उसको कर लो। तो क्या होगा, पहले से पहले वाली परिभाषा से हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या? किसी विद्युत परिपथ में, कोई जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास विद्युत परिपथ है, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में ये संधि है हमारी, यहाँ पर संधि में मिलने वाली धारा, ये एक धारा ये आ रही है, एक ये आ रही है, ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री, ये आई फोर, आई फाइव, ये आई सिक्स, मिलने वाली धाराओं का बीच रखती हो, ये जितनी भी धाराएं हैं इस पॉइंट पर जो मिल रही हैं तो इनका जो योग होगा वो शून्य होगा। मतलब सिग्मा आई बराबर जीरो होगा। एक यहाँ दूसरा क्या कहा, किसी विद्युत परिपथ में आने वाली धाराओं, आने वाली धारा कौन से, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर आने वाली धारा है, तथा जाने वाली धाराओं का योग, तथा जाने वाली धारा ये आई फाइव, आई सिक्स का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब क्या बनेगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर बराबर होगा आई फाइव प्लस आई सिक्स। क्या जैसे आने वाली धारा आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर आने वाली धारा हो गई, का योग तथा जाने वाली धारा I5 और I6 का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम हो गया। अब संधि के पहला नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर बात करते हैं कि संधि का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। देख देंगे यहाँ संधि नियम, संधि का नियम संरक्षण सिद्धांत कार्य करता है। हाँ,
जो आगे संरक्षण सिद्धांत था उस पर हमारा संधि नियम कार्य करता है, इसको धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है हमारा बोल्डताव का नियम। बोल्डताव का नियम क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था हमारा? द्वितीय नियम को हम पाथ का नियम भी बोलते हैं। बंद पाथ का नियम। बंद पाथ का नियम क्या होता है? कोई भी हमारे पास बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ में जो भी हमारे खंड हैं, उन खंड पर लगने वाला बोल्डताव का बीजगणित योग शून्य होता है। तो परिभाषा बनी हमारी द्वितीय नियम की, किसी परिपथ में प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास की वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या है? कोई भी हमारे पास ये बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा इस परिपथ में लगने वाले वोल्टताओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। एक दूसरा नियम है हमारे पास क्या? किसी परिपथ में पास के विभिन्न खंडों में लगने वाली वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस चित्र से समझ लेंगे क्या बनेगी परिभाषा। तो देखते हैं, ये हमारे पास कोई बंद परिपथ है, पास है हमारे पास जिसमें दो सेल लगे हुए, एक सेल E1 है और एक सेल E2। ठीक, अब E1 जैसे सेल लगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। मान लेते हैं I1 इसमें धारा प्रवाहित, यहाँ पर E2 पे तो तार बल लगा तो इसमें क्या धारा I2 बनने लगी। ठीक, अब जैसे I1 यहाँ पर पहुंची और I2 यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर I1 प्लस I2 मिले, मतलब I1 भी मिला I2 मिला, तो इधर जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। ये हुआ। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर धारा आ गई, यहाँ से जाने के बाद इधर की ओर धारा हमारी निकल जाएगी I1 और इधर की ओर धारा जाएगी हमारी I2। तो धारा किस दिशा में चल रही है? धारा की दिशा ये है हमारी चलने की, धारा की दिशा ये है चलने की, और इसमें क्या है, ये है धारा चलने की। ठीक है, तो पहला हमारा बंद पाथ बना ये है A B C D E F। ये हमारे पास, तो हमने इसका नाम दे दिया। तो पहले बात करते हैं, पहले बंद पाथ की A B E F A। इस बंद पाथ में जो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध तथा इसमें जो भी वोल्टता होगी वो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। देख लेते हैं पहली परिभाषा से क्या होगा। बंद पास क्या होगा? A V E F A में बंद पाथ मिला हमें क्या? A B E F A। ये हमारे पास बंद पाथ मिला। अब जिधर को हमारी धारा की दिशा होगी उधर को हम चलेंगे तो आएगा प्लस का चिन्ह, अगर हम धारा के विपरीत चलेंगे तो उधर आएगा माइनस। तो जैसे हम इस तरफ A से B चले पर हमें कोई कुछ भी नहीं मिला, छोड़ देंगे। फिर बी से ई चले, जब बी से हम ई की ओर चले तो हमें प्रतिरोध मिला, इस प्रतिरोध के कारण यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा, तो वो विभव कितना होगा? वो होगा R3। यहाँ पर मान लेते R3 ये हमारा प्रतिरोध है, R3 और I1 प्लस I2। ठीक, अब जैसे हम E से F चले तो कुछ नहीं मिला, और F से A चले हमें मिला एक प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल। तो पहले जब प्रतिरोध मिला तो इस प्रतिरोध के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा? I1 R1 कितना होगा? I1 R1। तो यहाँ पर उत्पन्न विभव होगा प्लस, हमारे पास क्या है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस चिन्ह आएगा और विभव कितना हो जाएगा? R1 और I1। ठीक, अब जैसे आगे वो चले तो हमें मिली विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल मिला तो हमने क्या करा, बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होता है
विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बल मिला हमारे पास क्या ईवन, ये हो जाएगा। यहाँ दूसरी परिभाषा से क्या मिला कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता, पहली वोल्टता इस पर मिली, दूसरी इस पर मिली और तीसरी वोल्टता ये, तो इन तीनों का बीजगणितीय योग कितना होगा शून्य, मतलब आर थ्री आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन आर वन, ये इधर लाएंगे तो माइनस के ई वन बराबर कितना जाएगा जीरो। यही हमारी परिभाषा थी कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। अब बात करते हैं दूसरे पाथ की, दूसरा पाथ का क्या, दूसरा पाथ क्या हमारे पास, बंद पाथ बी सी, बी सी डी ई बी में, बंद पाथ बी सी डी ई बी में, बी सी डी ई बी में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले बी से सी में चले, बी से सी में चले तो कुछ नहीं मिला। अब हमारी धारा की दिशा क्या है, यहाँ पर ये दिशा हमारी धारा की दिशा क्या, इस तरीके से हमारी धारा की दिशा, ठीक। अब जैसे हम यहाँ पर आए तो हमें विद्युत वाहक बल मिला, विद्युत वाहक बल मिला ई टू, मिला ई टू, और कोई इस परिपथ में विद्युत वाहक बल नहीं है। तो विद्युत वाहक बल धाराओं के तथा प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के क्या होता, बराबर होता। अब जैसे हम आगे चले तो हमें R2 प्रतिरोध मिला, R2 प्रतिरोध मिला तो यहाँ पर धारा बह रही है इस दिशा में I2, इस I2 धारा के वजह से और R2 प्रतिरोध की वजह से यहाँ पर उत्पन्न विभव होगा कितना I2 R2, ठीक। और कैसा होगा, माइनस में, क्योंकि हम धारा के विपरीत, धारा इस दिशा में जा रही है और हम चले इस दिशा में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब जैसे हम डी से ई चले, डी से ई चले तो कुछ नहीं मिला इसको छोड़ देंगे, और ई से बी, ई से बी चले तो हम चलेंगे क्या, धारा के विपरीत दिशा में, धारा इधर चल रही है और हम चले इधर, हमारी दिशा ये चल रही है, धारा की दिशा ये है, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस के। कितना होगा यहाँ पर जो उत्पन्न विभव होगा, आर थ्री आई वन प्लस आई टू, ठीक। ये हमारे पास क्या होता है, कोई बंद परिपथ है उसमें बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हमारे पास विद्युत वाहक बल एक मिला तो उसके बराबर होगा। अब यहाँ वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता, एक वोल्टता ये है, एक ये, एक है, इन सबका वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होगा शून्य। तो ई टू इधर रहने देंगे हम, इसको इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा आई टू आर टू, इसको इधर लाएंगे प्लस आर थ्री आई वन प्लस आई टू, बनेगा इधर हमारा जीरो। ये हमारा हो गया वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। ठीक, हमारे पास एक पास तो ये मिला जिसके कारण हमारा वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य आ गया, दूसरा पास हमारे पास ये मिला जिसके कारण बीजगणितीय वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य आ गया। एक पाथ और बनना हमारा, वो पाथ कौन सा है, ए सी डी एफ ए, ये पूरा हमारे पास बंद पाथ बनना। तो क्या होगा इसमें, बंद पाथ, बंद पाथ ए सी डी एफ और ए में, इसमें देखेंगे ए से सी में चले तो कुछ नहीं मिला, इसको ए से सी छोड़ देंगे, सी से डी चला तो हमें एक विद्युत वाहक बल मिला, मतलब एक विद्युत वाहक बल मिल गया, ठीक। उसके बाद जैसे आगे चले तो हमें क्या मिलेगा, आर टू प्रतिरोध, आर टू प्रतिरोध के कारण हमारा उत्पन्न विभव होगा कितना, माइनस आई टू आर टू, क्योंकि धारा की दिशा ये है, हम चल रहे हैं इधर की दिशा में, तो माइनस क्या जाएगा आई टू आर टू, उत्पन्न विभव कितना हो गया आई टू आर टू। जैसे हम डी से F चले कुछ नहीं मिला, D से F चले कुछ नहीं मिला, तो छोड़ देंगे, F से A में, F से A में चले तो हमें मिल गया R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध और धारा बह रही है इसमें I1, तो R1 प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभव हो गया यहाँ पर प्लस I1 R1, ठीक। और जैसे आगे चले तो हमें मिल गया एक विद्युत वाहक बल E1, तो यहाँ सॉरी ये विद्युत वाहक बल E2 था, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल मिला E1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस E1। तो ये था कि विद्युत वाहक बल होता है बीजगणितीय योग तथा बहने वाली धाराओं तथा
संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यहाँ वोल्ट बहने वाली धारा को बीजगणित बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणित योग तथा वोल्टता का बीजगणित योग शून्य होता है। तो यहाँ ये हो जाएगा कि E1 प्लस E2 इसको दिखाएंगे प्लस I2 R2 इसमें चलाएंगे माइनस I1 R1 बराबर होगा जीरो। यह हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा जो है जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये आवेश ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। और पहला नियम हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता था और द्वितीय नियम क्या हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर।